राजनीति और रक्षाबंधन पर मायावती का क्या है गणित? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं अनेकों शुभकामनाएं दी है। आइए जानते हैं आखिर राजनीति और रक्षाबंधन पर मायावती का क्या है गणित। रक्षाबंधन पर मायावती बसपा सरकार में मंत्री रह चुके करतार सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता लालजी टंडन और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को राखी बांधती रही हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि राजनीतिक गलियारों में कोई भी रिश्ता नहीं होता है, सभी मतलब से जुड़ते हैं और जरा सी खटपट पर अलग भी हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती इनसे थोड़ी अलग हैं। हालांकि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। उनके घरों पर और राष्ट्रपति भवन में राखी बांधने वालों की कतार लग जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार हो और बहन मायावती को याद न किया जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मायावती कई दिग्गज राजनेताओं को राखी बांधती रही हैं। हालांकि राजनीति में रक्षाबंधन के अलग मायने होते हैं। कहने को तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको बुआ ही बोलते हैं। मगर मायावती ने मुलायम सिंह यादव को अपना भाई नहीं कहा और उनको कभी राखी नहीं बांधी, फिर भी अखिलेश यादव उनको बुआ ही बोलते हैं। मायावती के हालांकि दो सगे भाई हैं, लेकिन राजनीति दुनिया में उन्होंने तीन नेताओं को राखी बांधी है। रक्षाबंधन पर मायावती बसपा सरकार में मंत्री रह चुके करतार सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता लालजी टंडन और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को राखी बांधती रही हैं। हालांकि कहा जाता है कि गठबंधन टूटने के बाद से लालजी टंडन को मायावती ने उन्हें राखी बांधना छोड़ दिया था। मायावती ने सबसे पहले बसपा सरकार में मंत्री रह चुके करतार सिंह नागर को राखी बांधी थी। नागर मायावती के पैतृक गाँव बादलपुर के ही रहने वाले हैं और दोनों के बीच राजनीति में आने से पहले से ही काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं। मायावती नागर को रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती हैं। इसके बाद देखते ही देखते मायावती के मुंह बोले भाई के लिस्ट में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का नाम भी शामिल हो गया। गौरतलब है कि अभय चौटाला बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के दिल्ली स्थित निवास पर एक रैली का निमंत्रण देने पहुँचे थे, जहाँ मायावती ने अभय चौटाला को त्यौहार से पहले राखी बांधी और तिलक लगाया। साथ ही मायावती ने 25 सितंबर 2018 को जाटलैंड गोहाना में मनाए जाने वाले ताऊ देवीलाल के राजस्त्री जयंती समारोह में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसके साथ मायावती ने यह भी कहा था कि इस पवित्र रिश्ते को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब तक उनके सबसे पहले भाई लालजी टंडन की। लालजी टंडन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी दोनों भाई बहन की जोड़ी राजनीति से लेकर मीडिया जगत में काफ़ी पॉपुलर है। गौरतलब है कि 22 अगस्त 2002 को मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीमो मायावती टंडन को राखी बांधने उनके घर गई थी। उस वक्त मायावती ने उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। मायावती और टंडन के मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता काफ़ी चर्चा में रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 1995 में गेस्ट हाउस में मायावती को जब सपा के गुंडों ने घेर लिया था, तब उनकी जान बचाने में लालजी टंडन की बड़ी भूमिका थी, जिसके बाद से मायावती लालजी टंडन को अपना भाई मानने लगी थी और हर रक्षाबंधन को उन्हें राखी भी बांधती हैं। लेकिन कहा जाता है कि 2003 में भाजपा और बसपा का गठबंधन टूटा और उसके बाद सरकार गिर गई, जिसके बाद मायावती ने लालजी टंडन को कभी राखी नहीं बांधी। मायावती ने तीन नेताओं को अपना मुंह बोला भाई माना और राखी भी बांधती रही हैं। लेकिन आपकी अदालत में हो रहे इंटरव्यू के दौरान मायावती से जब नेताओं की राखी बांधने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह कभी किसी के घर राखी बांधने नहीं गई हैं। मायावती ने कहा था कि अगर कोई घर राखी लेके आए तो भगा नहीं सकती, इसलिए राखी बांध देती हैं। शायद यह जानकर उनके मुँह बोले भाइयों को झटका जरूर लगा होगा, मगर हर बार उन्हें सबके घर जाकर राखी बांधते हुए देखा गया है।